Hey there, a warm welcome to GRR. My name is Aarti Gupta and I welcome you all once again to the session. I hope you guys are doing fantastic. बता दीजिए कैसे हैं आप सब. आप आज का अपना बेहतरीन सेशन शुरू करते हैं क्योंकि ये शब्दों को जोड़कर नया वाक्य कैसे. It's as simple as that. बहुत ही सिंपल है. आप भी सीखेंगे और इंग्लिश बोलेंगे फ्लुएंटली. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन सेशन. एक बार सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिए सो दैट और भी लोगों को पता चले आखिर आज के हम इस वंडर क्लास में क्या करने वाले. राइट यहाँ पर है ऋत्विका, यश, लखन, मोनिका, अतुल, मनीष, शुभम, हाई लंगा एंड सोम सिंह. वेरी गुड इवनिंग. ओके चलिए शुरू करते हैं आज आपका अपना बेहतरीन लेक्चर. एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट अवर टॉपिक इज विद देयर टॉप बैचेस. जो आज हमारा पहला क्लास ले रहे हैं उनको हम बता दें कि नए बैचेस शुरू हो चुके हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए. अगर आपको करना है प्रिपरेशन तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. सेकेंड ऑफ जून से नए बैचेस हो गए शुरू और आपको पता है कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन एंड या कोई भी एग्जाम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर. दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ओनली एंड दिस इज आवर संकल्प बैच. संकल्प बैच जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है 2 जून 2021 से एंड सफलता भी 2 जून 2021 से ये शुरू हो चुका है. आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और दिस इज समथिंग न्यू अल्टीमेट गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ इसमें आपको मिलेगा एसएससी बैंक आरबीआई का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. सो गेट इट एज सून एज पॉसिबल. राइट सीईटी प्रिपरेशन ऑफर जो है वो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर 1 or 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं. सो दैट इज द लिमिटेड पीरियड ऑफर. तो आर यू गाइज Alright, so this is my Unacademy profile. आप मेरे को यहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं और हम यहाँ पर फ्री स्पेशल क्लासेस जो हैं वो लेते हैं. So you will definitely gonna enjoy them. This is your plan. You can choose your plan and then proceed. तो कितने बच्चे मेरे साथ हैं जिनका आज पहला क्लास है एक बार मुझे बता दीजिए. उसके बाद हम जो Unacademy Combat इसके बारे में तो बताएंगे. This is completely gamified और India's biggest free scholarship test है SSC exams के आपको मिल स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपीज और मेरा कोड है आरती मैम क्योंकि पूर्वी ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है. यू कैन यूज इट. ओके थैंक यू पूर्वी फॉर दैट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. हमारा सेशन कह रहा है कि 4 key points जो हैं वो याद कराने हैं आपको कि इंग्लिश की कोई भी बात आपको ध्यान से सुननी है, आपको रिपीट करनी है, प्रैक्टिस करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक्सप्रेस करना है. राइट तो आज जो भी सुनने वाले हैं उसको प्रैक्टिस रिपीट या रिपीट प्रैक्टिस एंड देन एक्सप्रेस ये सारी चीजें करेंगे. तो जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि इस क्लास में क्या क्या लेकर के आएंगे तो एक बार देख लीजिए कि आज की क्लास में आखिर है क्या क्या. गुरुकुल कह रहे हैं मेरा पहला क्लास है. हितेश कह रहे हैं ये अच्छा इनका सेकेंड क्लास है. ऑफिशियल कह रहे हैं मेरा अच्छा अच्छा. पूर्वी का भी पहला क्लास है मैं जान चुकी हूँ. आज दिन का दूसरा क्लास होगा. ओके सो यह क्लास में क्या क्या है कि हम शब्दों को जोड़कर नया वाक्य कैसे बनाएं. राइट कोई शब्द जो है उन्हें जोड़कर नया वाक्य कैसे बनाएं ये सीखेंगे. साथ ही साथ आज हम ये भी सीखेंगे कि पूरे दिन में होने वाली एक्टिविटी. कल भी हमने एक एक्टिविटी सीखी थी जो अर्ली मॉर्निंग में जो भी कॉन्वर्सेशन हो सकता है उसको लेकर के एक एक्टिविटी हमने कल सीखी. आज हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि ब्रेकफास्ट के दौरान हम क्या बातें इंग्लिश में कर सकते हैं. राइट इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि डोमेस्टिक यूज के जो आर्टिकल्स हमारे घर में होते हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और हाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे अभी तक चलते चले आ रहे हैं उनको हम आज पढ़ेंगे. तो ये चारों चीजें जो है ये हमारी आज चलेंगी. तो आइए शुरू करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को. आज आपको कई दिन से देखा है वाई की स्टूडियोज पर नहीं शो करता है. अनिल आ रहे हैं यहाँ पर आपको कमेंट शो कर रहा है आपका और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन और हम शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन जहां पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि शब्दों को जोड़कर नया वाक्य बनाते कैसे. आइए जानते हैं. जैसे कि हमने एक शब्द लिया मतलब एक सेंटेंस लिया और उसके शब्दों को अलग अलग किया. कौन सा सेंटेंस लिया? मैंने सेंटेंस लिया कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ या जानती हूँ. अब हमें सबको पता है कि इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं. जैसे मैं की इंग्लिश आई है, उसे की इंग्लिश हिम है, अच्छी तरह की इंग्लिश वेरी वेल है, जानना की इंग्लिश नो है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है हूँ इसकी इंग्लिश एम है.
अगर हम इसी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे तो ये हमारी इंग्लिश हो जाएगी गलत। तब सही इंग्लिश कैसे होगी वो हम सीखेंगे फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला में कुछ ऐसा हमने डाला है जो आपको आगे सब में हेल्प करेगा। कैसे? अब देखो, जब भी हम कोई ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड हो, या बचपन वाले से इंग्लिश सीखी, बचपन में हमें सीखी थी ना, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारी रूटीन एक्शन से जुड़ी है ना, कोई भी रूटीन एक्शन आपसे आप आपका कोई भी रूटीन एक्शन है जो बता रहा है, जिससे आप किसी को जानते हैं, है ना, रूटीन एक्शन है कि आप उसे जानते हैं, फ्रिक्वेंट एक्शन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जो बचपन में सीखते हैं ता था, सॉरी ता है, ती है, ऐसे साउंड करते हैं, ते हैं, ता हूं, ये बेसिकली जो चीजें आपको बताते हैं ये रूटीन एक्शन बताते हैं, फ्रिक्वेंट एक्शन बताते हैं, और जनरली आपका जो डे टू डे लाइफ का कोई भी फिक्स प्लान एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो डिफाइन करते हैं। तो इनके लिए हम एक फॉर्मूला कनेक्ट करते हैं, जैसे कि जैसे ये सेंटेंस है, इसमें आई जो है वो एक सब्जेक्ट है ना, सबको पता है आई के बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पर जैसे फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब लगाते हैं, तो जैसे इसमें एम लिखा है ये नहीं लिखा जाता, क्योंकि हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, वर्ब जानता है कि इंग्लिश, जानता हूं कि इंग्लिश लगाएंगे। तो आई के बाद में हम लिखेंगे नो, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, किसको अच्छी तरह जानते हैं उसको, तो लिखेंगे हिम। तो वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ऑब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस में एक्शन को रिसीव कर रहा होता है ना। इसके बाद अदर पार्ट, क्योंकि बचा हुआ और है, क्या बचा हुआ है, अच्छी तरह, तो हम फिर से इसको इंग्लिश में लिख देंगे। तो कुल मिला के जो सेंटेंस आपको कनेक्ट करेंगे, जो आप सेंटेंस बनाएंगे कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ के लिए, तो पहले सब्जेक्ट मैं आई, उसके बाद जानता हूँ का नो, उसके बाद उसे यानी हिम, और अच्छी तरीके से वेरी वेल। तो ये सेंटेंस आपका बना, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब आप अगर ऐसे बोलेंगे कि आई एम नो हिम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है कि कोई भी रूटीन एक्शन है, कोई भी फ्रिक्वेंट एक्शन है, तो इसमें इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है ना। याद रखिए कि कभी भी ऐसे सेंटेंसेस में आप इज एम आर के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना गलत होता है। आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में लगा देंगे, राइट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब इसी तरह से अच्छा पूर्वी को ब्लॉक नहीं करेंगे, आई एम नो हिम वेरी वेल गुरुकुल ने कहा है, लेकिन ये कहेंगे आई नो हिम वेरी वेल, अमनीश ने बता दिया है। और ये इसी तरह कहेंगे कि आपको वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब आएगी। यहाँ पर एस एम आर जो है ये तभी आएगा जब आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना होगा, समझिए इस बात को। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि मैं टीचर हूँ, अब इसमें कोई और वर्ब तो है नहीं, तब मैं इज एम आर का यूज कर सकती हूँ कि आई एम अ टीचर। लेकिन अगर मैं कोई एक्शन वर्ब लेती हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आई एम टीच, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई टीच। तो ये बात समझ आई कि कब हमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब का यूज करना है। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे और सेंटेंसेस जो है, जैसे लिखा हुआ है मैं अपना काम खुद ही पूरा करता हूँ। आपको अगर ऐसी बात बोलनी है कि मैं अपना कार्य खुद ही पूरा करता हूँ, तो इसका मतलब आप कैसे बोलेंगे कि आई इज द सब्जेक्ट, और यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, और उसके जस्ट बाद वर्ब लिखे, है ना। वर्ब क्या है, पूरा करना, मतलब कंप्लीट। तो वर्ब जो है वो क्या है, कंप्लीट है, ये आपकी वर्ब है। आई कंप्लीट, क्या कार्य करते हैं, अपना कार्य, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और माइसेल्फ हो गया एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये अपने आप मतलब आप खुद ही पूरा करते हैं, तो इसके लिए हम लिखा कि आई कंप्लीट माई वर्क माइसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप सीखेंगे। तो आप अगर इंग्लिश में किसी को बोलना चाह रहे हैं कि मैं अपना कार्य खुद ही पूरा करता हूँ, क्योंकि अक्सर आप बोलते हैं अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन, तो आप क्या बोलेंगे, आई कंप्लीट माई वर्क माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू एस्क फॉर हेल्प, मैं किसी से हेल्प के लिए बात ही नहीं करती, मैं अपना कार्य खुद ही पूरा कर लेती हूँ, है ना। अब जैसे आप रोज रोज ये भी बोल सकते हैं कि वो रोज रोज मुझ पर गुस्सा करती है ना। रोज रोज का मतलब हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है, यू कैन सी द पिक्चर, आपको इमेज याद आ रही होगी। तो जब आपको बोलना है कि वो रोज रोज मुझ पर गुस्सा करती है, आपके हाथ में पावर है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे सेंटेंस को कनेक्ट करना है। यहाँ पर लिखो She always gets angry at me. She always gets angry at me. वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है, रोज रोज मुझ पर गुस्सा करती है। तो ये बोल के देखिए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा। She always gets angry on me.
ओके विशाल कह रहे हैं पूर्वी का खुद का चैनल है। हाँ ठीक है एंजॉय करो, ये आपका चैनल है। ऑलराइट आई कंप्लीट माय वर्क माय सेल्फ। ओके अच्छा एक चीज और, अगर आप कहें मैं खुद ही अपना काम पूरा करता हूँ तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई माय सेल्फ कंप्लीट माय वर्क, आई डोंट एस्क फॉर हेल्प, मैं किसी से मदद के लिए कुछ भी नहीं बोलती हूँ या मांगती हूँ। आई कंप्लीट माय वर्क माय सेल्फ या आई माय सेल्फ कंप्लीट माय वर्क, खुद ही अपना वर्क कंप्लीट करती हूँ, पर रोज रोज मुझ पर गुस्सा करती है। एक एक टेंस सीखेंगे, शी ऑलवेज गेट्स एंग्री ऑन मी, तो शी सब्जेक्ट है, ऑलवेज तो आपका रोज रोज की इंग्लिश एडवर्ब आ गया है और गेट्स आपका वर्ब है और एंग्री एट मी जो है वो आपका अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, राइट। और एंग्री जो है वो उसमें एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एडजेक्टिव आया है, देन प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो वह मुझ पर रोज रोज गुस्सा करती, शी ऑलवेज गेट्स एंग्री एट मी। अब आप ये बातें भी बोल सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों से कम बात करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से कम बात करता हूँ, ये भी आपका वही आपका रूटीन एक्टिविटी में आएगी कि मैं अपने दोस्तों से कम बात करता हूँ। तो वही आप सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, ऐसे ही ये फॉर्मूला जो लिखा है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, मुझे लगता है काफी सिंपल हो जाएगा। राखा गुना कह रहे हैं हरियाणा वालों की तरफ से राम राम गुरुदेव। अच्छा ठीक है सबको राम राम। She always gets angry at me, राजेश बोल रहे हैं। मोनिका कह रहे हैं कैन आई यूज फिनिश्ड इंस्टेड ऑफ कम्प्लीट। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको आपका कार्य कम्प्लीट हो गया है तो आप उसको कम्प्लीट बोलें, या आप उसको पूरा करेंगे दोबारा नहीं स्टार्ट करेंगे तो फिनिश बोलें। तो कम्प्लीट में एक टारगेट होता है ना, कम्प्लीट और फिनिश के बारे में मैंने पहले बताया था, कम्प्लीट में एक टारगेट होता है जो आप टारगेट पूरा करते हैं। तो जब आप कम्प्लीट वर्ब यूज करते हैं दैट मीन्स आपका एक टारगेट पूरा कर हो गया है। जैसे आपने कहा कि आई कम्प्लीटेड माई वर्क, आई कम्प्लीटेड माई फूड, आई कम्प्लीट, अब इसमें एक टारगेट है। लेकिन जब दूसरी बात आती है कि टारगेट नहीं है कोई, बस जो भी कार्य आपका था वो पूरा खत्म हो गया, तो आप कह सकते हैं आई फिनिश्ड माई वर्क। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा कार्य है कि मैं कुछ लिखूं रोज रोज, है ना, तो आज मेरे को 10 वर्ड्स लिखने, तो मैंने कहा आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क। लेकिन अब मेरा टारगेट खत्म है, मैंने जितने भी वर्ड्स थे सारे एक ही दिन में लिख डाले, तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो दोनों में फर्क समझ आया, किसको किसको समझ आया, हाथ उठाए। एक में टारगेट कंप्लीट होता है तो कंप्लीट बोलते हैं, पूरा काम ही खत्म हो जाता है तो फिनिश बोलते हैं, समझ रहे हो ना बात को। गेट्स कहाँ पर लगाए हो, हाँ अब देखो यहाँ पर लगाए, मैं अपने दोस्तों से कम बात करता हूँ, आई टॉक लेस टू माई फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है, अब ये टॉक वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद टू माई फ्रेंड्स अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो आप भी बोल सकते हैं मैं अपने दोस्तों से कम बात करता हूँ। दूसरा, खुद को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रखता हूँ, ये आप अक्सर बोलते होंगे कि मैं खुद को जो भी मुसीबत आती है मैं उसके प्रति तैयार रहता हूँ, या फिर आप तैयार रखते हो खुद को, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि आई मेक माई सेल्फ प्रिपेयर फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, फॉर एनी रिस्क दैट आई कैन गेट इन माई लाइफ, मतलब कोई भी मुसीबत आए आई एम रेडी टू टेक इट, राइट। तो उसके लिए भी आपको वही चीज उसी चीज को फॉलो करना है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि मैंने आपको बताया था। अच्छा फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपका आई जो है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अगर यहीं पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, आई की जगह ही होता, शी होता, इट होता, वन होता, तो हम यहाँ पर आने वाली वर्ब में एस ई एस लगा देते, है ना। मान लीजिए आई की जगह ही होता कि वह खुद को आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रखता है, तो हम क्या कहते हैं, ही मेक्स हिमसेल्फ प्रिपेयर फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, है ना, तो हम ऐसे कहते हैं। पूर्वी कह रही है आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह न्यूज पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, अगर आप रोज पढ़ते हैं तो कह सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। चलिए अब आप कुछ और एक्टिविटी इसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने दोस्तों को रोज फोन करता हूँ। कैसे बनाएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, सो दैट आई कुड नो कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, आपका फॉर्मूला ये है, आप इसको यूज करेंगे एंड मेक द सेंटेंसेस। तो मैंने कहा मैं अपने दोस्तों को रोज कॉल करता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम ऑन जल्दी से बताइए। ओके वीके कह रहे हैं नाइस वीडियो, ओके दिस इज अ लाइव क्लास, वीके परवल ये एक लाइव क्लास है जहां पर आप मेरे से डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट हो सकते हैं। शुभम कह रहे हैं हाँ पूर्वी न्यूज पेपर पढ़ती है, मोनिका कह रही है मेक्स वेरी नाइस, रितिक कह रहे हैं टेंस, हाँ टेंस जो है
वो मैं आपको स्पोकन में कैसे यूज करना है वो बता रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि मैं अपने दोस्तों को रोज फोन करती हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए, यही फॉर्मूला यूज करते करते हैं। राकेश ने बनाया है आई मेक कॉल्स टू माई फ्रेंड्स एवरी डे। हरीश ने कहा है आई कॉल माई फ्रेंड्स, आई कॉल टू माई फ्रेंड्स डेली। मोनिका ने कहा आई कॉल माई फ्रेंड एवरी डे, वेरी नाइस। मोनिका ने एकदम करेक्ट बनाया है, आई कॉल टू माई फ्रेंड नहीं होगा, आई कॉल माई फ्रेंड होगा एवरी डे। बट या इट्स ओके, अगर आप थोड़ा सा प्रपोजिशनल मिस्टेक करते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से कहेंगे ओके है। अनुराधा कह रहे हैं वेरी नाइस ओके। राम कह रहे हैं आपकी और भी क्लास होती है, हाँ बिल्कुल होती है। आई कॉल माई फ्रेंड्स, भाग्यश्री कह रहे हैं डेली, ठीक है ऑलराइट। आई कॉल एवरी डे, राजेश कह रहे हैं आई कॉल माई फ्रेंड्स एवरी डे, मतलब आप बना रहे हैं सेंटेंस, दैट इज नाइस। अब जैसे आप अक्सर बातें करते हैं कि मेरे माता पिता मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो ये आपको इंग्लिश में बोलना है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया सोच लिया हो गया। तो समटाइम्स यू फील लाइक योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इन यू, दे आर नॉट हैविंग फेथ इन यू, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि मेरे माता पिता मुझ पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो जब ऐसे सेंटेंसेस को हम नॉट लगा के बनाते हैं तो उसमें डू और डज के बाद में नॉट एडवर्ब का यूज करते हैं, है ना। तो अब मेरे माता पिता मुझ पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, तो माई पेरेंट्स हमारी जो वर्ब है वो क्या है, विश्वास करना मतलब हैव फेथ। तो हम हैव फेथ के पहले क्या लगा देंगे, डू नॉट, क्योंकि हमें नॉट लगाना है। डू हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है और डज हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है ना। तो माई पेरेंट्स डू नॉट हैव फेथ इन मी, मेरे माता पिता मुझ पर ज्यादा विश्वास नहीं करते, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती। पूर्वी कह रहे माई पेरेंट्स हैव फेथ इन मी, ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है। और वैसे ज्यादातर लोगों के इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा अपने बच्चों पर फेथ करते नहीं, कोई कोई बहुत ज्यादा करते तो उनका ज्यादा हो जाता है, यू नो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर लगता है हाँ ये लाइफ में कुछ कर ले जाएगा। तो आज से ये बोलेंगे कि आई थिंक, आप अपने पेरेंट्स से सामने सामने बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक यू हैव फेथ इन मी, पेरेंट्स से सामने सामने बोल सकते हैं मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते करते। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट थिंक यू हैव फेथ इन मी। अच्छा अब एक क्वेश्चन आ गया कि तुम सुबह उठ के क्या करती, सेम टेंस में क्वेश्चन है कि तुम सुबह उठ के क्या करती, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप किससे पूछने वाले हैं कल सुबह, ये बात मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। कैसे पूछेंगे, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप, कैसे पूछेंगे व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप, ठीक है मजा आया, तुम सुबह उठ के क्या करते हो। चलिए अब ये आपने सीख लिया, अब ये आपने सीख लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक साथ बहुत जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और मजा आएगा। हाँ तो मैंने आपको क्या बताया, जरा हम ब्रीफ करते हैं, जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनको ब्रीफ करते हैं। तो जनरली मतलब कुछ गेस कीजिए, एक इमेज सजेस्ट कीजिए अपने माइंड को कि दो लोग जो हैं वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऐसे बोल रहे हैं, मैं अब आपको जो भी बातें बोलूंगी आगे उसमें छोटे छोटे कंजंक्शंस यूज करके बोलूंगी, आप ये देखो कि जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल, ठीक है। तो आपने शुरू किया, यू नो व्हाट, क्या तुम्हें पता है, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, कैसे बोलोगी, यू नो व्हाट, आई नो हिम वेरी वेल। And I want to tell you that I complete my work myself. I want to tell you that I complete my work myself. And I don't like that she always gets angry at me. I don't really like that she always gets angry at me. You know, I just want to share the thing with you. Like, I talk less to my friends. I'm not that much talkative. I'm not verbose. I don't speak much. I talk less to my friend. I don't want to speak a lot. And you know what? I make myself prepare for any circumstances. I make myself prepare for any circumstances. If you prepared for something, so I'll say I made myself prepare for any circumstances. And no, har subah main newspaper padhta hu. I read newspaper every morning. तो मैंने सारे सेंटेंसेस को कंजंक्शंस यूज करके, थोड़े थोड़े फ्रेजेस यूज करके अपने मतलब आपके सामने एक्सप्रेस किया। यू नो व्हाट, माय पेरेंट्स डू नॉट हैव फेथ इन मी, आई नो दे शुड हैव फेथ इन मी, बट द बैड थिंग इज दैट दे डोंट, माय पेरेंट्स डू नॉट हैव फेथ इन मी।
और यू से दे शुड हैव फेथ इन मी बट दे डोंट. तुम सुबह उठ के क्या करती हो? ओके, सो दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क. व्हाट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप? After getting up, after waking up, or after getting up, can use it. I want to tell you that she is a good girl. Rakesh कह रहे हैं. English में बात करना चाहता हूँ, but कोई मुझे मिलता नहीं है. अकेले बढ़ जाता हूँ. यही तो problem है हमारी. हम अपने आप को हम खो जाते हैं. हमें लगता है कि हम अरे आप ही तो हैं जो आपकी help कर सकते हैं. आप ही तो आपकी help कर सकते हैं. मतलब you are the one who can help you. आप mirror में जाके बोलिए. Mirror में जाके बोलिए. अपने आप से जितना ज्यादा बोलेंगे. अच्छा, टीचर्स का एक सीक्रेट बताती हूँ. ज्यादातर अगर मैं बात करूँ आपके आसपास जो जैसे मुखर्जी नगर के आसपास के टीचर्स हैं, उन्होंने इस बात को माना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ टीचर ऑफ इंग्लिश ओनली, बट किसी भी टीचर से आप बात करो, उसको पढ़ाने से पहले मिरर के सामने वो एक फेयर होता है. मेरे साथ खैर ऐसा नहीं था, बट सब ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि मिरर के सामने दो दो घंटे तीन तीन घंटे लगातार अपने आप से बातें करते हैं, तभी तो उनका प्रेजेंटेशन बेहतरीन होता चला जाता है. अब आप उनसे इंग्लिश बुलवाओ, हिंदी बुलवाओ, संस्कृत बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ, दे कैन स्पीक एनीथिंग आउट देयर, एनी लैंग्वेज दे कैन स्पीक, एंड दे स्पीक इट कॉन्फिडेंटली. अगर उनको थोड़ा भी पढ़ा दो तो सब बोलने लग जाते हैं. तो वो प्रैक्टिस करते हैं, दे प्रैक्टाइज अ लॉट, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टाइज. सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते रहना. हाँ, तो तुम सुबह उठ के क्या करते हो? तो मैं बातें बनाती हूँ. आई क्रैक जोक्स एवरी टाइम. And I prepare, I don't prepare breakfast. Breakfast prepare नहीं करती. तो ऐसे करके बातें करो and enjoy करो. I am aware of COVID. शिक्षा कह रही है. After getting up, I check my phone. हाँ, everybody does the same thing. ये सही है. मतलब everybody, जैसे मनीष ने कहा कि after getting up, I check my phone. So what about you? आप क्या करते हैं? I do the same after getting up. वैसे I don't want to check it, but I don't know. This is a kind of my habit. I gradually get up and I use my phone. तो आप बताओ आप क्या करते हैं? कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताइए मेरे. शिक्षा अवेयर है कोविड से, पूर्वी क्या कहते हैं? अच्छा, सेम काम करते हैं. कोई और कुछ अलग नहीं करता. मतलब इस जनरेशन का कोई भी ऐसा बच्चा जो कुछ अलग काम करता हो सुबह उठ के, मतलब विदाउट टचिंग फोन, कैन यू डू समथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग? नो. आफ्टर गेटिंग अप? नो. हेलो मैम, वेयर आर यू फ्रॉम? शुभम ने पूछा. ओके, मतलब क्वेश्चन अच्छा, तो आंसर भी अच्छा दे देती हूँ. आई एम फ्रॉम दिल्ली. अतुल कह रहे हैं आफ्टर गेटिंग अप मैं पानी पीता हूँ. वाओ, देयर वाज समथिंग डिफरेंट. या वी शुड हैव वाटर. सो आफ्टर गेटिंग अप आई टेक वाटर, राइट? आई टेक ल्यूक वार्म वाटर, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं. आफ्टर गेटिंग अप आई हैव water, I have lukewarm water, some lukewarm water, gunguna pani bhi. Aur Ritika keh rahi hai, main after getting up, I study. After getting up, you study. That's very nice. Aur Sonu keh rahi hai, baag mein ghoomne jata hu. After getting up, I go outside. Very nice. So ho gaya na. Aur Harish keh rahe hai, after getting up, I take bath and chant. Kya baat hai? ये कैसे, मतलब बाकी सारे काम स्किप करके यू गेट अप एंड टेक बाथ? सही है वैसे. एंड पूजा करते हैं, वर्शिप. वेरी नाइस. आफ्टर गेटिंग अप आई प्रे टू गॉड फॉर अ न्यू लाइफ. रावण, वेरी नाइस. नाम तो तुम्हारा रवान है, रावण है, बट काम तुम अच्छे करते हो. वेरी नाइस. हितेश कह रहे हैं आई बॉर्न इन दिल्ली करोल बाग. बेटा आई बॉर्न नहीं, आई वॉज बॉर्न. तुम पैदा हो चुके थे काफी पहले, राइट? तो आई बॉर्न तब कहेंगे जब अभी कुछ देर पहले पैदा हुए होंगे. तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह सो के उठे, आरती मैम की क्लास देखी, अरे वाह इंग्लिश स्पोकन, आगे बहुत झगड़ा है, लाइफ में बहुत लड़ाई होगी, अभी से सीखते हैं. तो कहा मैडम आई बोरिंग करोल बाग. आई सेड ओके ठीक है भाई, पढ़ लो. ऐसा भी हो सकता है. आई गो टू ग्राउंड. ऑफिशियल ग्राउंड? अच्छा, ओके. यू गो आउटसाइड, दैट्स ओके. आई हैव चैट विद माई फ्रेंड्स. अमोल कह रहे हैं आई एम चैटिंग नहीं, आप बोलो कि आफ्टर गेटिंग अप I have chat with my friends, है ना? शिक्षा कह रही है कि after getting up, I go for a long walk. अब आप ही देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रही हो. मैं तो कोई हेल्प नहीं कर रही, बट यू कंटिन्यूसली स्पीकिंग समथिंग, सो दैट इज वेरी नाइस, है ना? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. विनोद कह रहे हैं मैडम इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये बताओ कि सुबह उठ के क्या करते हो? मुझे पता इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये तो बताओ सुबह उठ के क्या करते हो? कम से कम अगर कोई तुमसे ये पूछे कि वॉट डू यू डू आफ्टर गेटिंग अप, तो वॉट वुड यू रिप्लाई?
आखिर तुम बोलोगी क्या? राकेश कहने, आई विश आई नेवर बॉर्न इन ओडिशा। आई वॉज नेवर बॉर्न। बेटा पैदा होने के लिए आपको हमेशा ये पैसिव वॉइस है, एक तो आई, ये तो कलर चेंज कर लो पहले, कौन सा कलर, ग्रीन इज ओके। हाँ, एक तो पहले ये आप ध्यान रखो कि कभी भी आई बॉर्न नहीं बोलेंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि पैसिव है, पैसिव स्ट्रक्चर है कि मैं पैदा हुई थी या हुआ था, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो आई वॉज बॉर्न होगा हमेशा। हाँ, सृष्टि ने क्या कहा है, मैम वन डे माई टीचर टोल्ड मी तैयारी रावण जैसी करो और जीत राम जैसी पाओ। आओ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना, आई नो यू कैन। अमोल कह रहे हैं, मैम आई कैंट स्पीक गुड इंग्लिश। यू कैन, बिकॉज यू कैन राइट इट, व्हाई डोंट यू स्पीक इट, स्पीक इट आउट, दिस व्हाई माय नेम इज रावण। ओके, योर नेम इज नाइस, आफ्टर गेटिंग अप आई गो बैक टू स्लीप। मनीष क्या कर रहे हो तुम क्लास में सिवाय हंसाने के कोई और काम नहीं करते? दैट्स नाइस। जैसे मैंने कहा कि आई गेट अप एट 6 एंड देन आई गेट बैक टू बेड, ऐसा होता है ना समटाइम्स, ऐसा होता है कि आफ्टर गेटिंग अप आई गेट बैक टू बेड। ऑल राइट, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ में। आई थिंक अबाउट इट्स मॉर्निंग और इवनिंग। अच्छा, वैसे अगर आपकी माइंड, आप जो करते हैं वो तो हो गई आपकी एक्टिविटी, लाइक आफ्टर गेटिंग अप आई यूज माई फोन, आई वॉश माई फोन, आई चेक माई फोन, एक तो ये काम हो गया। एक वो चीज होती है कि वॉट डू यू थिंक आफ्टर गेटिंग अप, आप उठने के बाद सोचते क्या हो, वॉट डू यू थिंक आफ्टर गेटिंग अप। तो सोचने की अगर हम बात करें तो आप लोगों के शायद कॉमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, बिकॉज व्हेन आई गेट अप लाइक आफ्टर गेटिंग अप आई थिंक अबाउट माई एंटायर डिश शेड्यूल, लाइक वॉट द शेड्यूल वुड बी। तो मेरे दिमाग में चलता है कि अभी किसका क्लास है, देन वॉट आई हैव टू डू, सो आई नोट डाउन ऑल माई शेड्यूल, देन आई वर्क ओवर इट। तो ये मेरा होता है, अब आप लोग अपना अलग अलग कर सकते हैं। विशाल कह रहे मैम थैंक यू तो बोल दो, 5 बंदे लेके आया। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह क्या बात है, 5 स्टूडेंट्स अगर आप जोड़ेंगे तो चेन बनाएंगे तो मजा आ जाएगा, वही तो मुझे चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक एक्टिविटी करी थी, अर्ली मॉर्निंग हम क्या क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते, बहुत मजा आया। तो ये एक्टिविटी पे हम क्या लिख देंगे, डन, ये हमारी एक्टिविटी पूरी। अब आज हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के दौरान। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इंग्लिश बोलनी है, अब एकदम सुबह सुबह डिटरमिन हो जाओ, है ना, आफ्टर गेटिंग अप यू हैव टू मेक अ प्लान दैट आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंटायर डे, है ना। तो ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट आपका आज वाला जो एक्टिविटी है वो होनी है, तो हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू कैन हैव ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, राइट। So what kind of conversation do you have during breakfast? Let us know. So that is going to be very, very important. Let's get started. Wow. You can see the breakfast here. आपको यहाँ पर breakfast दिख रहा है. So this is the activity. और आप कौन कौन सी बातें करते हैं? So write it in the comment section कि हम ये बातें करते हैं. रावण कह रहे हैं, after waking up, I make daily timetable. Wow, very nice. If you do the same thing, that is very nice. रितिका शर्मा क्या कह रही है, आफ्टर गेटिंग अप, अच्छा यू वॉक, आफ्टर गेटिंग अप आई प्लान हाउ टू माई डे, हाउ टू स्पेंड माई डे, ऐसा भी बोल सकते। सो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो ब्रेकफास्ट के दौरान किस किस टाइप के कॉन्वर्सेशन हम बोल सकते हैं। तो देखो आप दो लोग हैं, लेट्स क्रिएट द इमेज इन साइड आवर माइंड, हम एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर और दो लोग हैं वो बातें करेंगे। तो पहली बात है, hey, अपना नाश्ता किया, hey, have you had your breakfast? Have you had your breakfast? अब दूसरा बोलता है, yes, I had it. हाँ, कर लिया। If you are very happy with your breakfast, आप खुशी होकर बताएंगे, yes, I had it. अच्छा, ऐसे ही पूछेंगे, have you had your breakfast? क्या तुमने अपना नाश्ता किया? अब आप बताइए, उसके बाद बोलेंगे, yes, I had it. हाँ, कर लिया। पीडीएफ कल वाली, बच्चों कल वाली पीडीएफ के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, मेरा एक 10 मिनट्स वाला वोकैबुलरी का सेशन रहता है, वहां पर वो हमारी टीम ने वहां पर उसको अपलोड कर लिया था। तो कल का जो हमारा 10 मिनट का वोकैबुलरी सेशन है, वहां पर कल की पीडीएफ पड़ी हुई है, आप अगर सर्च कर सकते हो तो मेरे सेशन के, कल के जो मेरा सेशन है ना,
वहां पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हो, कल वाला पीडीएफ बहुत अच्छा था। तो कैसे पूछेंगे, मैंने आपसे पूछा, आप मेरे घर आए और मैं आपसे मिली या मैं फोन पर हूँ, तो मैंने आपसे पूछा, हे हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, दिस इज द राइट वे टू आस्क, जरा कह के देखो, कम ऑन डू स्पीक इट, कह के देखो। अच्छा मुक्ता कह रही हैड यू ब्रेकफास्ट, गलत है ब्रेकफास्ट, ये जो लिखा रखा हुआ ये मजेदार है काफी। राकेश कह रहे यस आई हैड इट एंड इट वाज सो डिलीशियस। ओके अच्छा अब उसमें दीप कह रहे हैं रितिका कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके एंड विशाल कह रहे हैं मनीष को टाइम और नहीं 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 विनोद कह रहे हैं आपकी तरह हमें भी इंग्लिश बोलना है, दैट इज नॉट अ बिग डील, यू कैन स्पीक राइट अवे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इसको आपको बोलना है तो आप कहेंगे यस आई हैड इट सिंपली। उसके बाद में दूसरा कॉन्वर्सेशन क्या हो सकता है, सामने वाला पूछेगा अच्छा क्या खाया, है ना ऐसे पूछते हैं ना, अच्छा क्या खाया। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे जरा बोल के देखो मेरे साथ, व्हाट डिड यू हैव, व्हाट डिड यू हैव, ओके फाइन, व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, जल्दी से जरा बोल के दिखाओ। खुशबू चलो इस पे मैं दोनों कल की और आज की पीडीएफ दोनों ही अपलोड करवा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट, अच्छा क्या खाया, अब क्या बोलेंगे, नथिंग मच, इट वॉज जस्ट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद बटर, कुछ नहीं बस दो ब्रेड और बटर। सामने वाले ने बताया ज्यादा कुछ नहीं खाया, दो ब्रेड बटर खा लिए बस काम बन गया हमारा पूरे दिन का। तो ये कॉन्वर्सेशन आप करोगे ना, प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस। ओके तो कैसे बोलेंगे, नथिंग मच, इट वॉज जस्ट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद बटर। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ब्रेड्स मत बोलना, कभी भी आप हिंदी में ब्रेड बोलो कुछ भी बोलो दैट इज ओके, बट इंग्लिश में हमेशा टू पीसेस ऑफ, टू स्लाइसेस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, वन स्लाइस ऑफ, हमेशा यही बोलेंगे। ब्रेड्स गलत इंग्लिश है, उसको नहीं बोलेंगे राइट। तो क्या कैसे बोलेंगे, किसी ने पूछा अच्छा क्या खाया, आपने कहा कि नथिंग मच, इट वॉज जस्ट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद बटर। ओके आप ब्रेड विद बटर नहीं कहें, आप ऐसे भी बोल सकते हैं नथिंग मच, इट वॉज जस्ट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बटर, ब्रेड एंड बटर। अच्छा अब मैंने पूछा व्हाट अबाउट यू, और आपने क्या कहा, आई हैड अ स्पिनच ऑमलेट, पालक ऑमलेट खाया। यू कैन सी दिस बहुत ही बोरिंग होता है, आई हैड अ स्पिनच ऑमलेट, ज्यादातर जो कीटो डाइट पर लोग होते हैं वैसी बेकार चीजें खाते हैं। सो व्हाट अबाउट यू, पूछा कि तुम बताओ, तो तुमने कहा मैंने तो पालक ऑमलेट खाया। तो सामने वाले ने बोला ओ नो आई एम एलर्जिक टू स्पिनच, मेरे को तो पालक से एलर्जी है। तो फिर दूसरे ने कहा आई सी यू आर एलर्जिक टू स्पिनच, तुम जो है पालक से तुम्हें एलर्जी है, तुम्हें स्पिनच से एलर्जी है। ओके उसके बाद फिर हमारी दूसरी कॉन्वर्सेशन, मतलब आगे की कॉन्वर्सेशन ब्रेकफास्ट में क्या क्या हो सकती है, आप ये पूछ सकते हैं। देखो मैंने एक्टिविटी बहुत ही डेलिबरेटली आपके लिए डिवाइड की है कि आपको दिन का सारा जो इंग्लिश का स्पोकन का मटेरियल है वो यहीं से मिल जाए। फिर आप कहते हो डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट योरसेल्फ, क्या तुम अपना नाश्ता खुद बनाते हो, डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट योरसेल्फ, या ऐसे भी पूछ सकते हैं डू यू प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट योरसेल्फ, क्या तुम अपना नाश्ता खुद बनाते हो। बट आई एम काइंड ऑफ लेजी, मैं कहूंगी नो आई ऑर्डर इट, आई ऑर्डर इट, आई ऑर्डर इट हो गया, आई ऑर्डर इट फ्रॉम अ नियर बाई रेस्टोरेंट, मैं बनाती नहीं हूँ, मैं बगल के रेस्टोरेंट से मंगवाती हूँ, ये हमारा रेस्टोरेंट है हम यहाँ पे ऑर्डर करते हैं और हमारा ब्रेकफास्ट घर में आ जाता है। अच्छा ब्रेकफास्ट को प्रोनाउंस करने के लिए एक चीज और मैं आपको बता दूँ, इसको कभी ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रेकफास्ट बोलेंगे हमेशा, है ना, ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इट साउंड्स वियर्ड, एकदम वियर्ड साउंड करता है, हमेशा क्या बोलेंगे ब्रेकफास्ट। और वैसे ही रेस्टोरेंट, तो नो आई ऑर्डर इट फ्रॉम अ नियर बाय रेस्टोरेंट। Alright, I don't like cooking food. I only love cooking jokes. अब सामने वाला कहता है नहीं मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, बस बातें बनाना पसंद। All I like is to have conversation. समझ रहे हो? हाँ आप बताइए क्या कह रहे हैं? अब आप क्या कह रहे थे? कुछ आपने कुछ नया कहा? I ordered it second wife restaurant. रोहित कह रहे second wife, ये restaurant का नाम है? हाँ काफी innovative नाम। I ordered it from a nearby restaurant. Okay. अब इसको मैं बहुत ही जल्दी बोलूंगी जिससे कि आपको लगे कि आपका कॉन्वर्सेशन कैसे जा रहा है। तो दो लोगों की बातें कर रहे हैं यहाँ पर और वैसे ही चले।
ब्रेकफास्ट के दौरान आप क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे पर्सन नंबर वन, हे हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? यस आई डिड। ओके, व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट? नथिंग मच, इट इज जस्ट टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड विद बटर। व्हाट अबाउट यू? आई हैड स्पिनच ऑमलेट। ओह, आई एम एलर्जिक टू स्पिनच। आई सी, आप ये भी बोलेंगे आंसर में। आई सी। डू यू प्रिपेयर योर ब्रेकफास्ट योर सेल्फ? नो, आई ऑर्डर इट फ्रॉम अ नियर बाई रेस्टोरेंट। यू नो वॉट, आई डोंट लाइक कुकिंग फूड, आई ओनली लव कुकिंग जोक्स। राइट, सो आई डोंट लाइक कुकिंग फूड, आई ओनली लव कुकिंग जोक्स। दैट इज एज इंटरेस्टिंग एज दैट। तो ये सारी बातें तो आपको सीखनी है। पहले आप इसको सीखेंगे, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। सो ये बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक कॉन्वर्सेशन है, बेसिक इंग्लिश के फ्रेजेस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी से नाश्ते के लिए पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? अगर आपसे कोई पूछता है तो रिप्लाई कैसे करेंगे, आई हैड इट। अगर आपने नहीं लिया है तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव इट। मान लीजिए अगर आपने नहीं नाश्ता किया है तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप बोलेंगे आई हैवंट हैव इट, लेकिन आप इसमें फंस सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव इट, सॉरी आई हैव नॉट हैव इट लिख दिया, आई हैव नॉट हैड इट, या फिर आप बोलेंगे आई डिड नॉट हैव इट। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है डार्क है, तो ये हो जाएगा आई हैवंट हैड इट। अगर ऐसे बोलना है तो दैट इज ओके, अगर आपको नहीं बोलना है, इतना बोलना है आई डिड नॉट हैव इट, तो ये भी राइट। सो इस तरीके से आप बताएंगे क्या खाया, उसके बाद किससे एलर्जी है, ये एक्स्ट्रा कॉन्वर्सेशन हो गया। उसके बाद नाश्ता खुद बनाते हो, अगर खुद बनाते हो तो आप बोल सकते हो कि आई प्रिपेयर इट फॉर माई, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, आई प्रिपेयर इट माई सेल्फ। और अगर बाहर से मंगवाते हो तो नाइट, नो आई ऑर्डर इट फ्रॉम अ नियर बाय रेस्टोरेंट। अच्छा, आप यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि आपके हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं जिनकी इंग्लिश आपको थोड़ा सा कम पता होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दिस क्लिप, सो बेसिकली आपको इसको इंग्लिश में बोलना है दिस इज अ क्लिप, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको सिर्फ क्लिप नहीं बोलते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि यू आस्क फॉर इट, यू आर इन ऑफिस एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट थिंग एंड यू डोंट नो वेयर इज इट, आपको पता नहीं ये कहाँ है, यू डोंट नो वेयर इट इज, देन यू आस्क फॉर इट। सो इसको क्या कह के बुलाओगे, कोई कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे? मैंने वैसे बताया एक बार बार, दीदी कह रही है आई डिड नॉट हैव इट। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आ रहे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, जो कि मैं उनको आपको बता सकूं? ऑलराइट, सो बताइए, रावण ने बता दिया यार। हाँ, दैट इज कॉल्ड बुलडॉग क्लिप, इसको बोलते हैं हम बुलडॉग क्लिप। सो अगर यू आर इन अ ऑफिस, यू आर एट अ ऑफिस एंड यू आर सर्चिंग फॉर इट, तो यू कैन आस्क दैट वेयर इज द बुलडॉग क्लिप और वेयर द बुलडॉग क्लिप इज, राइट? What is that thing? What is that thing? If you are going somewhere to buy this thing, so what would you say to that? आप इसको क्या कह के बुलाएंगे? Yeah, this is bulldog clip. Okay, ये जो वो clip थी उसको हम bulldog clip बोलते। So what is that thing? What is that thing? अच्छा, आपने देखी नहीं, ये लो, here we go, bulldog clip. आप इसमें पेपर्स को अटैच करते हैं, यू नो, क्या आप राकेश कह रहे हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं कि श्रेया ने बुलडॉग बनाया हुआ है, बुलडॉग क्लिप। ओके, सो आई एम लुकिंग फॉर अ बुलडॉग क्लिप एंड दिस थिंग इज व्हाट, गेस व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? या दिस इज कॉल्ड कैंपिंग चेयर, कैंपिंग चेयर। Whenever you, that is a folding chair, आप इसको बोलते हैं, but no, it is a camping chair. Camping chair इसलिए, whenever you go outside, it is kind of portable thing and you can easily carry it. That is why we called it camping chair. Okay, so this is a camping chair. You can use it. So camping chair is the chair that you can fold, that is portable. Alright, so camping chair is here. Okay, so what is it called? ये क्या है? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, जरा बुलडॉग क्लिप, ट्रेवलिंग चेयर नहीं, इट इज कॉल्ड कैंपिंग चेयर। हाँ, ट्रेवल के दौरान आई वॉन्ट टू बाय अ चेयर, मिनी कुमारी कह रही है। ओके,
फोल्डिंग चेयर, कैंपिंग चेयर। ओके, पूर्वी टाइम आउट हो गई है तो अब शो नहीं कर रही है। अच्छा, नहीं पूर्वी आ जाएगी थोड़ी देर बाद। सो व्हाट डज इट थिंक, व्हाट इज इट कॉल्ड, ये क्या है? ओके, सबने बताया, हाँ बता दिया, काफी सारे लोगों ने बताया। यस, ये स्प्रेयर नहीं है, ये ब्लेंडर है। ब्लेंडर है, वी ब्लेंड द थिंग्स इनसाइड। ये ब्लेंडर है, इससे हम चीजों को ब्लेंड करते हैं। ये एरिया है जिससे हम कोई भी मटेरियल, कोई भी थिंग जिसको ब्लेंड करना होता है तो वो हम इसमें लगाते हैं और वो ब्लेंड होती है। तो ये ब्लेंडर, वी कॉल इट ब्लेंडर। ब्लेंडर नहीं है, ब्लेंडर इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आपके यहाँ ब्लेंडर तो मैं आपको बताऊंगी, ये ब्लेंडर नहीं है। ब्लेंडर का मतलब होता है बड़ी गलती, ब्लेंडर का मतलब होता है गलती, वो अलग बात है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर। ब्लेंडर तो ब्लेंडर इज द थिंग। अच्छा, ये क्या होता है, इसको कौन बताएगा? आई नो यू नो दैट, एंड इफ नॉट यू शुड नो दैट। व्हाट इज दैट, सही बताइए। ब्लेंडर मुक्ता बोल रही है, हाँ ठीक है। आगे बताओ क्या है। इफ यू गो टू किचन यू जनरली सी दैट, व्हाट इज दैट? ओके, बताओ जल्दी से, ये क्या है? रसोड़े में कोई होता नहीं है, दिस वाई दे डोंट नो दैट। ऑलराइट, जल्दी से बताओ। अब तो हमारे क्लास के टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो थोड़ा सा टाइम बचा है, तो हम ये इंटरेस्टिंग थिंग्स देखेंगे, और उसके बाद कल के सेशन के बारे में भी मैं आपको बता दूं। कल का सेशन है कि हम बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करेंगे, बच्चों से इंग्लिश में स्टोरी कैसे सुनाएंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। यू नो बहुत, वहां पर आपको ये बताऊंगी कि छोटे छोटे बच्चे जो है उनसे इंग्लिश बोलना कितना मुश्किल होता है और क्या क्या कॉन्वर्सेशन हम उनसे कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भी छोटा सा बच्चा हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे इंग्लिश में? हिंदी में तो आपको ट्रीट करना पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे ट्रीट करेंगे? ओके, इसको हम बोलते हैं कोलैंडर। क्या बोलते हैं? कोलैंडर। जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि ये कोलैंडर है। कोलैंडर का मतलब होता है जब कोई लिक्विड आउट करने वाली चीज, तो ये स्ट्रेनर नहीं है, छलनी नहीं है, ये कोलैंडर है। तो नेक्स्ट टाइम यू यूज इट, सो यू कैन से लाइक आई नीड अ कोलैंडर, कैन यू गिव मी अ कोलैंडर। आप मेरे को कोलैंडर दे सकते हो। कोलैंडर इज द थिंग, तो ऐसा बोल होता है जो लिक्विड उससे आउट करता है, स्पेशली फॉर कुकिंग। ओके, सो नहीं भूलेंगे, ये कैलेंडर नहीं है, दैट इज कोलैंडर। वी जनरली यूज इट व्हाइल टेकिंग लिक्विड आउट व्हेन वी मेक काइंड ऑफ राइस और समथिंग, एंड वी बॉइल पोटेटो, सो वी यूज इट एज कोलैंडर। आपको यूज करना भी है, बोलना है। व्हाट इज दैट, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जल्दी से बताओ इसको क्या बोलते हैं? If you go to a restaurant, you get these things, okay? And if you go to a marriage, you get that things. तो क्या बोलते हैं इसको? जल्दी से बताओ। अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। Come on, quickly. कोलैंडर याद आया? ट्रेनर नहीं होता, स्ट्रेनर भी नहीं होता, रावण ट्रेनर नहीं होता। ट्रेन करना मतलब पानी निकालना किसी चीज से आउट, है ना? तो उसमें छोटे छोटे खाने नहीं होते। ड्रेन के लिए आपको कंप्लीटली एक डक्ट दिया जाएगा जहां से चीजें आउट हो जाएंगी। ये बेसिकली आपका कोई सिंक है, वहां से ड्रेन हो सकता है। ये बेसिकली आपका कोई वॉशिंग मशीन है, वहां से ड्रेन हो सकता है। बट इट इज नॉट दैट थिंग दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज दैट, ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, मैं आपको बता दें। दैट इज कॉल्ड ट्यूरिन। क्या बोलते हैं? ट्यूरिन। इसका प्रोनंसिएशन है ट्यूरिन और ट्यूरिन। यू नो बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स इसको बोलते हैं, बट हम इंडियन कभी सुनते भी नहीं है, मतलब ये बोल भी बोलते हैं इसको, तो बाउल तो कभी नहीं बोलते हैं। बोल इज द राइट प्रोनंसिएशन, बट इसका प्रोनंसिएशन है ट्यूरिन है। ओके, तो ये बहुत बढ़िया चीज है, तो आज से ही बोलना शुरू करेंगे कि गिव मी अ ट्यूरिन टू, मतलब जनरली वी यूज इट टू सर्व काइंड ऑफ सूप, है ना? तो हम इसको सूप सर्व करने के लिए वी यूज इट जनरली। So, Turin is that name. And now, everybody knows about it and everybody likes it. है ना? Everybody likes it because, अच्छा इसको बोलते क्या है जरा बताना मेरे को, तो मेरे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? कौन है मेरे साथ? Turin, हाँ बोल के दिखाइए। मुनिका, Turin, आदिति, शिखा को बुला रहे, मनीष कह रहे रसगुल्ला होता है इसमें। हाँ, लास्ट टाइम यू हैव स्टेटेड दैट थिंग। तो ये है आपका, व्हाट डज इट कॉल्ड,
नींबू, नींबू देखते हैं, नींबू पर ध्यान नहीं जाए, ये तो आपका अलग चीज है। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, अभी मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ, ये लिखा है मुसम्बी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई है जो ऐसा अभी क्विकली मुझे बताए विद इन अ सेकेंड, मौसम्बी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देन आई वुड लेट यू नो व्हाट इज इट इंग्लिश, जल्दी से बताओ। हाँ दिस इज द थिंग इज कॉल्ड ग्रेटर, इसको हम कहते हैं ग्रेटर, कि यार ये चीजों को ग्रेट करता है, मतलब पीसता है, तो बी कॉल्ड इट ग्रेटर, है ना? बताओ मौसम्बी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई नहीं बताएगा, कद्दूकस। हाँ जतिन राम, एग्जैक्टली, इसको कद्दूकस बोलते हैं। ओके विशाल कह रहे रितिका तुम रसोड़े से बाहर आओ, अरे बिग लेमन बोल रहे हैं राकेश, राकेश कह रहे लेमन लाइम, अभी मौसम्बी अरे तुम लोग लाइन नहीं होता मुसम्मी, अभी आगे बताऊंगी मैं तुम लोग। व्हाट इज दैट थिंग, इसको क्या बोलते हैं? ये जिसको आप हिंदी में करछुल बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और आपको आज से कल से किचन में अगर गए, वैसे तो आप जाते हो अक्सर और इस चीज की जरूरत पड़ती है आपको, तो इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज को? जल्दी से बोल के बताएंगे। स्वाति ने सही बताया, स्वीट लाइम जो होता है वो मुसम्बी की इंग्लिश होती है। स्वाति वेरी नाइस, आपने सही बताया, स्वीट लाइम इंग्लिश में। हाँ तो ये है आपका करछुल, करछुल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पैचुला, क्या बोलते हैं जरा बोल के दिखाना, आपका प्रोनाउंसिएशन चेक करो, दैट इज कॉल्ड स्पैचुला, स्पैचुला, ओके स्पैचुला, दैट इज कॉल्ड करछुल। ऑलराइट, यू यूज इट इन योर डे टू डे लाइफ। हाँ व्हाट इज दैट थिंग, मोनिका ने बता दिया तुरंत ही, वो तो स्पैचुला है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पैचुला एंड लैडल। ये आपका स्पैचुला है और ये आपका लैडल है। लैडल का मतलब होता है चमचा, जो पॉलिटिक्स में होता है, होते हैं और रियल लाइफ में भी होते हैं थोड़े बहुत। सो ये दैट थिंग इज कॉल्ड लैडल, इसको हम लैडल बोलते हैं, एल ए डी एल ई, लैडल। लैडल का मतलब होता है चमचा। सो पॉलिटिकल पार्टीज हैव देम, अ लॉट ऑफ लैडल्स दे हैव, राइट? सो हम अपने मतलब डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा किचन में यूज करते हैं, बट इन पॉलिटिकल सिनेरियो एवरीबडी चमचे, लेडल। नाउ द थिंग इज कॉल्ड स्ट्रेनर, ये है आपकी छलनी, द थिंग इज कॉल्ड स्ट्रेनर एंड दिस इज कॉल्ड छलनी, स्ट्रेनर। ये जो लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग अगर क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, स्ट्रेनर इज द थिंग। राइट, सो लैडर और स्पैचुला में जितना फर्क है उतना स्ट्रेनर एंड पोलैंडर में फर्क है, समझ रहे हो ना? स्ट्रेनर और पोलैंडर जो अभी हमने पढ़ा था वो दोनों में उतना ही डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डज दैट थिंग कॉल? मैम आई एम ओडिया गाय सो आई डोंट इवन नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी, ओके व्हाट अबाउट इट इन इंग्लिश, इंग्लिश में बता दो, इसीलिए तो पिक्चर है जो कोई भी लैंग्वेज वाला देख सकता है और अपनी लैंग्वेज में टाइप कर सकता है, एंड इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो यू कैन टाइप इट इन द कॉमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। हाँ वो स्ट्रेनर था, बट दैट थिंग इज कॉल्ड कटिंग बोर्ड, इसको हम जो बोलते हैं वो है हमारा कटिंग बोर्ड, राइट? सो क्या बोलते हैं इसको, कटिंग बोर्ड। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता मत करो, बस क्लास में बने रहना है, आज काफी कम बच्चे। ओके सो इसको क्या बोलते हैं, ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये सब जानते हैं लेकिन कह नहीं पाते, इसको हम जो है हमने बहुत सारे लोगों से सुना है, ये उसको ये बोल देते हैं, एंड इट साउंड्स लाइक आउल, इट इज नॉट बाउल, ओके डोंट साउंड लाइक आउल, इट इज बॉल, बॉल, धीरे धीरे बोल वाला बोल, ओके डोंट एवर स्पीक इट बाउल बिकॉज दैट इज डिजास्टरस, दैट इज ब्लंडर, हमेशा बोल बोलेंगे, आई नीड अ बोल, आई नीड टू बोल्स, कभी भी बाउल नहीं बोलेंगे, ओके? रितिका मनीष काइंड ऑफ क्या कहते हैं डिप्लोमा डिप्सोमैनिया, हाँ दैट थिंग इज कॉल्ड बोल। अच्छा आप बताइए इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं, व्हाट डज दिस एक्टिविटी कॉल, इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज दिस? जैसे ये आप देख रहे हैं गार्लिक को चॉप कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों बताओ? हाँ बोल, रोहित कह रहे हैं बोल, हाफ बोल का बाउल, बाउल आप बोले भले ही लेकिन बहुत ही ऑकवर्ड लगता है जिन लोगों के माइंड में बोल होता है और कभी भी नहीं बोलते। सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी कॉल,
इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? हाँ, चॉपिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? चॉपिंग, चॉपिंग इज द थिंग, गेट इट? तो ये आपकी चॉपिंग है, चॉपिंग। एक बार लास्ट में सेशन को जरा जोर से शेयर मारो, कम से कम 1000 बच्चे आ जाए एक बार। अरे कब आएंगे? वी हैव बीन वेटिंग फॉर दैट। मेरा सपना है मेरा सपना है कि मैं 1000 बच्चों को लाइव पढ़ाऊं। पता नहीं तुम लोग कब पूरा करोगे। इट इज ऑल अप टू यू एंड आई वर्क हार्ड विद दैट। व्हाट इज दिस एक्टिविटी कॉल? इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ये एक्टिविटी क्या है ये मैं बता देती हूँ। इन्होंने क्या किया है, एक लिया है कोई थिंग और उस थिंग को कार्व किया है। जैसे ये थिंग पम्पकिन है, पम्पकिन का मतलब कद्दू। सो पम्पकिन को कार्व किया है, तो ये जो कार्विंग होती है, ये जो कुरेदना होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्विंग। कार्विंग लवकुश मैम जी कब से राधे राधे बोल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हो? नहीं बेटा लवकुश, राधे राधे, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ। ज्यादा जोर से शेयर कर दिया, बटन टूट गया। मनीषिया आई एम सैड फॉर इट। हृदेश कह रहे हैं ये वर्ड मैंने बिग बॉस से सीखा। कौन सा? कार्विंग वाला। ओके, हेलोवीन कॉस्ट्यूम, हाँ हाँ बिल्कुल, पम्पकिन कद्दू। विशाल कह रहे हैं ऋतिका की तो धूप बहुत है और वो धूप में रहकर पगला गई है। अरे क्या बोल रहे हो। अच्छा ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, जरा जो हिंदी में बातें कर रहे हो उसको एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो। ये लंच वाइड। ओके, ये क्या बोलते हैं इसको, जब किसी का छिलका उतार देते हैं, स्किन बाहर कर देते हैं, व्हेन वी टेक द स्किन आउट, इसको क्या बोलते हैं? Yes, exactly. इसको बोलते हैं पील ऑफ। पील मतलब छिलका, और उसको हमने क्या कर दिया उसको ऑफ कर दिया, सो पील ऑफ हो जाता है, पील ऑफ। पील ऑफ मतलब छिलका उतारना। अच्छा, 1:10 क्या बात है सत्य, वेरी पॉजिटिव। मैम दिस इज नॉट फेयर, मैं आंसर दे रही हूँ, यू आर इग्नोरिंग मी। अरे माई लव, आई एम नॉट इग्नोरिंग। साउंड गया, सीरियसली पीलिंग ऑफ। ऑलराइट, पील ऑफ, एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज दैट थिंग कॉल, इसको क्या बोलते हैं? दिस एक्टिविटी जो है इसको क्या बोलते हैं? ये जो आपने बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्लाइसेस, दीज आर कॉल्ड स्लाइसेस। स्लाइस किया हुआ है अपनी चीजों को, कभी भी ब्रेड का जो हमारे पास आता है चीजें, वो भी स्लाइस होता है, तो ये होता है स्लाइस। और ये कौन सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को क्या करते हैं? देखो, एक तो हमने पढ़ा था जो ब्लेंडर था, है ना, वो ब्लेंडर लिया और आपने उसको थिंग में डाला, वो ब्लेंड हो गया। बट यहाँ पर आप, ये एक्टिविटी थोड़ी सी डिफरेंट है, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ वाओ, आप लोगों ने शेयर किया है, वेरी नाइस, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी बताइए, साउंड ओके है? ओके अवनीश, क्राइसिस। अच्छा ये ब्लेंडिंग नहीं है, इसको अब जब इस थिंग, ये जो थिंग है, इससे जब किसी चीज को, जैसे यहाँ आपको एग दिख रहा होगा, एग योक, एग्स दिख रहे होंगे, इसको कहते हैं विस्क। क्या कहते हैं? विस्क। तो व्हाट यू डू, यू विस्क बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। सो समवन इज विस्किंग इट, विस्क करना, इसको चलाना, विस्क करना, मिलाना, सो विस्क बोलते हैं इसको। विस्क इज अ वर्ब, सो दिस इज कॉल्ड विस्क। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको चलाते हैं तो क्या बोलेंगे? विस्क, कि आई एम डूइंग विस्क, आई एम विस्किंग इट। शेक नहीं, मिक्स नहीं, शेक नहीं, विस्क, विस्क इज द डिफरेंस। हाँ, ये एक तो इस चीज को मैं आपको बता दूं, इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं। आपने देखा ये आपको क्या दिख रहा है, कि आटा दिख रहा है, आटा दिख रहा है, जिसका आटा, अब ये आटा नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये आटा नहीं रहा, अब ये बन गया डो। डो, डी ओ यू जी एच, डो का मतलब होता है गुथा हुआ आटा। तो यहाँ पर जो थिंग है वो गुथा हुआ आटा है, तो उसको भी कभी हम आटा यानी फ्लोर नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे हम डो। ये बन गया आटा। अब आटे की जो गुथाई होती है, तो गुथने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीडिंग, नीड करना, नाम बनाने के लिए। ओके सब, हाँ, फ्लावर जो है, तो ये इसका डो है, तो अब ये फ्लावर नहीं रहा, ये डो बन गया है, और इसको बोलते हैं नीड करना, नीडिंग। तो ये हो जाता है नीडिंग। नीडिंग का मतलब आप मेकिंग भी बोल सकते हैं, नीडिंग, गुथने की इंग्लिश होती है नीडिंग। सो अगर आप डो बना रहे हैं और कोई आपसे पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम नीडिंग डो, आई एम नीडिंग इट, आई एम नीडिंग डो, आई एम मेकिंग डो। ओके, नाउ द थिंग, ये हमेशा आप
जरूरी नहीं इफ यू आर इन एट द किचन यू डू इट, आउट ऑफ द किचन यू जनरली डू इट. इसको बोलते हैं आप जब ये किसी चीज को चला रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि आप किचन में ही चलाएं. कभी कभी यू नो क्या करते हैं, कोई बोल में कोई आपको वाटर है उसमें भी कोई चीज मिला रहे होते हैं तो भी आप स्टिर बोलते हैं. स्टिर इसको बोलते हैं, इस एक्टिविटी को बोलते हैं स्टिर. तो मान लीजिए यू आर मेकिंग मैगी, यू आर प्रिपेयरिंग मैगी, मैगी नूडल्स, तो आप कहते हैं आई एम स्टीरिंग इट. जब आप उसको चलाते हैं तो आप बोल सकते हैं नाउ स्टीर इट और देन सर्व इट. ऑलराइट. हाँ पंकज आई एम डूइंग आंसर. अच्छा यू आर गिविंग मी आंसर्स एंड आई एम इग्नोरिंग. नो आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. द क्लास इज गोइंग टू गेट सेट एट इट्स एंड. तो अभी जो है क्लास जो है खत्म होने वाला है, बट आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. व्हाट इज दैट थिंग, ये क्या है? ये सिंक में अक्सर ये चीज होती है. अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, इसको हम ड्रेन बोलते हैं. अभी मैंने शायद बताया भी था किसी को, ड्रेन ड्रेन जो ये चीज होती है ड्रेन होते हैं कभी, ज्यादातर ये चोक हो जाती है. अगर आपने देखा हो मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स चोक्ड. ऑलराइट, अब ये हमारा एक फ्रेज और है, दैट इज द लास्ट फ्रेज फॉर टुडे. और अब हम मिलते हैं कल, और कल ही इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आपको पीडीएफ दोनों आज मिल जाएंगे इस क्लास के बाद में, आज का भी और कल का भी. तो कल हमसे जुड़ना ना भूलिए एट द सेम टाइम. कल सैटरडे है आई गेस. हाँ तो कल हम मिलते हैं आपसे, और संडे को आपका ऑफ रहेगा, उसमें सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है बिकॉज आई नो यू हैव द पीडीएफ. तो हम फिर आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्टे ट्यून्ड. थैंक यू वेरी मच. और एट द एंड ऑफ द डे डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब इट. सी यू, बाय बाय. रावण कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड बेसिन. रावण इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा जो कि है वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर पड़ा हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड बेसिन. बहुत ही फेमस वीडियो था, जाकर के उसको चेक कीजिए, फिर मुझे बताइए कल कि कैसा लगा. सी यू, बाय बाय.